जिन कमाल अख्तर की सपा सरकार में तूती बोलती थी, अब उन्हीं कमाल अख्तर को सीओ ने दुत्कार कर पुलिस लाइन से बाहर भगा दिया। दरअसल जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन करने वालों की गिरफ्तारी के बाद सपा विधायक कमाल अख्तर और पार्टी के अन्य नेता पैरवी करने के लिए पुलिस लाइन पहुंच गए। वहां सीओ महेश गौतम से विधायक और नेताओं की कहासुनी और नोकझोंक हो गई। सीओ ने विधायक से यहां तक कह दिया कि तुरंत पुलिस लाइन से बाहर हो जाओ, वरना बिठाने के लिए और भी जगह है हमारे पास। इसके बाद विधायक और नेता चुपचाप गाड़ी में बैठकर चले गए। जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन करने के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने गोपनीयता बरती। थाने के गेट पर ही कड़ा पहरा था। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद 21 अभियुक्तों को पुलिस मेडिकल कराने के लिए जिला अस्पताल ला रही थी। इस दौरान पता चला कि समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू की अगुवाई में कार्यकर्ता जिला अस्पताल में जुट रहे हैं। पुलिस ने इसके बाद रणनीति बदल दी। अभियुक्तों का अन्य अस्पताल में मेडिकल कराकर पुलिस लाइन लाया गया, लेकिन पुलिस लाइन में समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। उन्होंने वहां सीओ महेश गौतम से एसएसपी और डीएम से मुलाकात के लिए कहा। सीओ महेश गौतम ने कहा कि यह मिलने का समय नहीं है, तुरंत पुलिस लाइन से बाहर चले जाएं, वरना हमारे पास बिठाने के लिए और भी जगह है। इस बात पर दोनों के बीच बहस हुई। बाद में सीओ ने विधायक को समर्थकों के साथ बाहर जाने के लिए कह दिया। इस दौरान दो समर्थकों को पुलिस कर्मियों ने पकड़ भी लिया। बात बढ़ने पर विधायक पुलिस लाइन से चले गए। बाद में पकड़े गए समर्थकों को भी छोड़ दिया गया। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।